हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप क्रिकेट की कोई भी खबर मिस ना करें। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी यूं तो किसी ना किसी वजह से हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं, लेकिन सुर्खियों में बने रहने के लिए वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल अब ना के बराबर करते हैं। हाल के दिनों में उन्होंने इसका इस्तेमाल लगभग करना बंद कर दिया है। ट्विटर की ही बात करें तो आखिरी बार उन्होंने 7 महीने पहले 8 जनवरी को एक ट्वीट किया था, इसके बाद से उन्होंने कोई ट्वीट नहीं किया। हालांकि इंस्टाग्राम पर उन्होंने कुछ पोस्ट जरूर किए थे, लेकिन वहां भी वो नहीं के बराबर रहते हैं। संन्यास की घोषणा के लिए उन्होंने इंस्टाग्राम का इस्तेमाल किया था, जहां उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया था। संन्यास के बाद धोनी अपना ज़्यादातर समय परिवार के साथ बिताते हैं। इन दिनों धोनी मैदान से दूर हैं, लेकिन जल्द ही शुरू होने वाली इंडियन प्रीमियर लीग में वो CSK की टीम को लीड करते हुए नजर आएंगे। कैप्टन कूल के नाम से मशहूर माही किसी न किसी वजह से चर्चा में बने रहते हैं। अब एक बार फिर वो सुर्खियों में आ गए हैं। हाल ही में उनका नया हेयर कट सुर्खियों में था, अब एक और वजह से महेंद्र सिंह धोनी सुर्खियों में है। मामला ट्विटर से जुड़ा हुआ है। दरअसल शुक्रवार को धोनी के ट्विटर अकाउंट से ब्लू टिक हटा हुआ नजर आया। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान क्रिकेट को अलविदा कहने के बाद सोशल मीडिया पर बहुत कम सक्रिय हैं। वैसे भी वो ज्यादा पोस्ट और तस्वीरें शेयर नहीं किया करते थे, लेकिन अब तो उन्होंने लंबा ब्रेक ले लिया है। जनवरी में उन्होंने ट्विटर पर आखिरी पोस्ट किया था, इसके बाद उनके ट्विटर हैंडल से कुछ भी शेयर नहीं किया गया। शुक्रवार को उनके ट्विटर हैंडल पर से ब्लू टिक गायब नजर आया। ट्विटर पर धोनी को फॉलो करने वाले लोगों की संख्या 8.2 मिलियन है। आपको बता दें, ट्विटर पर जाने माने लोगों के अकाउंट के नाम से कई और फैंस अकाउंट चलाए जाते हैं। सेलिब्रिटी को ट्विटर उनके पर्सनल अकाउंट के लिए ब्लू टिक देता है, जो उनके नाम के बाद लगा होता है। इस टिक का मतलब ये होता है कि अकाउंट आधिकारिक तौर पर उसी सेलिब्रिटी या संस्थान का है, जिससे नाम से यह बनाया गया है। हाल ही में धोनी तब चर्चा में आए थे जब हेयर स्टाइलिस्ट हाली मकीम ने उनकी नई तस्वीर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से पोस्ट की थी। धोनी का नया हेयर कट भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया था। उनका ब्लू टिक क्यों हटाया गया, इसके बारे में कोई आधिकारिक बयान तो ट्विटर की तरफ से नहीं आया है, लेकिन आकलन यही लगाया जा रहा है कि लंबे समय से ट्विटर पर गायब रहने की वजह से ही उनका ब्लू टिक हटा दिया गया। अब फैंस के लिए दिक्कतें ये हो जाएंगी कि ब्लू टिक ना होने की वजह से उनके अकाउंट को खोज पाना अब मुश्किल हो जाएगा।